आम आदमी पार्टी जिला मंडी इकाई सदस्यों ने डीसी मंडी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। सदस्यों का कहना है कि किसानों से जुड़े कृषि बिलों को राज्यसभा में असंवैधानिक तरीके से पारित किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से अपील की है कि किसान विरोधी इन बिलों को वापस राज्यसभा भेजा जाए। आम आदमी पार्टी जिला मंडी इकाई ने डीसी मंडी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए अवगत करवाया है कि राज्यसभा में सरकार ने किसान विरोधी बिल को असंवैधानिक तरीके से पारित किया है। सदस्यों ने राष्ट्रपति से अपील की है कि इस बिल को कानून बनने के लिए मंजूरी न दे। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले से संबंधित राज्यसभा ने जो सांसद निलंबित किए हैं उनकी सदस्यता वापस लौटाई जाए। मैं शेर सिंह ठाकुर जिला जोन मंडी जोन संसदीय क्षेत्र का मैं प्रभारी हूँ। अभी जो राज्यसभा से जो बिल बगैर किसी बहस के और बगैर किसी वोटिंग के हुआ उसके बारे में हम लोग आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में एक हर जगह पे जिला कार्यालय और तहसील कार्यालय पे ज्ञापन दे रही है। उसमें हमारा एक कहना है कि राष्ट्रपति महोदय से एक गुजारिश है कि इस जो बिल पास हुआ है उसको वापिस राज्यसभा में भेजा जाए ताकि उस पर बहस हो सके, उस पर वोटिंग हो सके। क्योंकि अगर हमारे देश में 70% जनता गांव में रहती है, 70% लोग किसान हैं, तो इन किसानों के अगर बारे में कोई निर्णय लिया गया है तो वो देश की जनता को पता लगना चाहिए कि पूरे हमारे जो नुमाइंदे लोकसभा या राज्यसभा में जाते हैं तो क्या उसके बारे में वो कुछ बहस कैसे करते हैं, उसके बारे में प्लस माइनस लोगों को कैसे पता लगेगा। तो हमारी पहली जो मांग है कि इस बिल को वापिस जो है राज्यसभा में भेजा जाए और वोटिंग और बहस कराई जाए, और साथ में जो निलंबित किए हैं सांसद उनको जो है उनकी जो सदस्यता निलंबन जो है वापिस लिया जाए। बाकी एक बात और, हम अभी इसी आज से हम प्रदेश की जनता से, मंडी जिला की जनता से एक आग्रह करना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो देश हित में और प्रदेश हित में कार्य करने वाली पार्टी है, तो सभी जो लोग हैं इस पार्टी से जुड़े और सहयोग दें। धन्यवाद। इसका जो विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इस बिल के आने से लगभग, थोड़ा सा अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि हमारे जो देश में किसान हैं, किसान के साथ उनके साथ कुछ लैंडलेस फार्मर्स भी जुड़े होते हैं, उनकी संख्या लगभग 15-16 करोड़ है। 15-16 करोड़ क्या है, अगर जब हम ये कॉरपोरेट सेक्टर को खेती दे दी जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे, तो उन जो 15-16 करोड़ लोग हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका जो जीवन बड़े किसानों की खेती लेने से होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। प्लस ये समझ लो कि धीरे धीरे ये कैपिटलिज्म की तरफ चला जाएगा और बड़े बड़े व्यापारी, फिर जो छोटे छोटे किसान और उनके जो हित हैं, जो मजदूर हैं, जब एक बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर अगर पूरे किसी तहसील की पूरी जमीन को ले लेगा तो वहाँ पे जो छोटे छोटे मजदूरों को मिलती है, उनको मजदूरी मिलती है, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे काम होगा तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े सिस्टम उसमें आ जाएंगे। तो आम गरीब किसानों के साथ साथ ये मजदूरों के लिए भी बड़ा घातक बिल है। जिला मंडी संयोजक आम आदमी पार्टी, मेरी ओर से आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया डीसी महोदय के थ्रू। ये जो किसान विरोधी बिल है इसको राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश है कि साइन ना करें, इसको वापस बहस के लिए भेजे, और जो गरीब किसान हैं उनकी जो खेती उसके बीच में चली जाएगी बड़े बड़े सरमायादारों को, तो उनके लिए वो जो रोटी रोजी का उनको जो लगेगा तड़का, उसको हम ये चाहते हैं कि उनके बीच में ही रहे और जो है वो पूरे तरीके से बहस करे, बहस के बाद फिर वो अगर ठीक लगता है तो दस्तखत करे, अदरवाइज इसको दस्तखत ना किया जी। मैं मनोज बाबा, व्यापार मंडल होस्ट, आम आदमी पार्टी मंडी जिला नेक्सा, और हमारी पार्टी ने आज डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है किसान विरोधी बिल के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर विचार करेगी और किसानों के हित की बात करेगी। मैं सभी हिमाचल वासियों से, किसानों से निवेदन करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ें और जो सरकार किसानों के अंगेश निर्णय ले रही है उसका विरोध करें। धन्यवाद जी। ये हमारे एडवोकेट जितेंद्र ठाकुर जी।